छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जहां एक और महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्सव मना रही थी, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ी महिला समाज सरकार के खिलाफ सड़क पर बैठी थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस शराबबंदी का वादा कर सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन सरकार बनने के 2.5 साल तक शराबबंदी नहीं की गई है। इस पर महिलाओं ने आज मुखर विरोध दर्ज किया। धरने पर बैठी महिलाएं इसके अलावा अश्लील साहित्य, अश्लील विज्ञापन, महिला सुरक्षा, बढ़ती महंगाई और जाति मुक्त समाज नहीं होने के कारण भी आक्रोशित नजर आई। हमने जो ये मुद्दा उठाए हैं ओकर मेन है कि शराबबंदी, नशा मुक्ति, अश्लील साहित्य एवं अश्लील विज्ञापन ल लेके काबर आज गांव से लेके शहर तक शराब के कारण सरकार तो बोलते छत्तीसगढ़ राज है शराब मुक्त हो ही, लेकिन नहीं हो पाते। जब वह ऐसे एक ये सरकार एकर पहले भी सरकार है, हर कोई की ही मुद्दा रही से कि हम शराब ला पूर्ण रूप से बंद कर देवन, छत्तीसगढ़ ला शराब मुक्त बनाबन, लेकिन नहीं हो पैसे। तो वही मुद्दा ला लेके कार के हम जब गांव-गांव में जाता ना, वहाँ की स्थिति देखते हैं, छोटे छोटे लड़का मन नशा के आदि हो गए, शराब के आदि हो गए, बड़े बड़े में ओकर कारण से पूरा जो घर है, जो परिवार है, समाज है, वो बहुत तनाव मुक्त हो गए। लेडीज मन की स्थिति देखो, जो महिला मन के ओकर स्थिति बहुत खराब है। ज्येष्ठ मन भी दिन भर शराब पिया थे, शराब अगर नहीं मिला थे तो महिला मन जो थोड़ा बहुत जो कमाते वह पैसा लो मन छीन लेते, या तो प्रताड़ित करते, मारपीट करते। अब ये तरह से महिला मन की जो स्थिति है वो बहुत दयनीयपूर्ण है। वही लेके हमन है इस शराबबंदी के लिए आवाज़ उठाते ताकि हमारे देश शराब मुक्त हो सके। हालांकि आंदोलन कर रही महिलाओं ने सरकार को किसी तरह की कोई चुनौती नहीं दी है, लेकिन यह बात भी साफ है कि जल समाज से अगर इन बुराइयों को साफ नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ की महिलाएं मां चंडी का रूप भी धारण कर सकती हैं।